हाँ जी यस। आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? जो कुछ है तेरा सब कुछ ये मुझे क्या करना? हाथ जोड़ मुझे क्या करना? आपसे हाथ जोड़ के क्या चाप नहीं चलेगा? क्या मुझे क्या करना? तेरी इधर ऐसा है गाली मत दो। ओ ठीक है क्या तू मुझे सिखाएगा? मदर छोड़ तू मुझे सिखाएगा गाली मत दे। क्या है बता? नहीं तू बता, मैं भी बैठा हूँ। ये क्या कर रही है? क्या कर रहे हो सर आप मेरे साथ? ये क्या कर रहे हो? ये कर कर रहे हैं कि बंद कर ले। क्या बंद कर ले? Hey guys, welcome back to my channel, you're watching official fan vlog. तो friends यार आज का है ईद का दिन और मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा निकला हूँ फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने के लिए, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए और व्लॉग स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स सबको लेते हैं और थोड़ा सा घूमेंगे क्योंकि आज है ईद। देखना तुम्हारे भाई ने कुर्ता पायामा पहन रखा है, बताना कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं। ठीक है तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे, दिखा दो आप बाहर का व्यू देखो। चल आज ही दे मजा आएगा, आज ही दे मजा आएगा, आज ही दे मजा आएगा, आज ही दे मजा आएगा। अरे 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 लड़की लड़की साथ में लड़की 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 साथ में। हाँ जी यस। आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? आगे तक क्यों? एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, मैं लेट हो रही हूँ, सो प्लीज आप मुझे आगे। आप ऑटो वगैरह या रिक्शा कर लो ना प्लीज। ई रिक्शा ऑटो वगैरह यहाँ चल नहीं रहा है और मैंने काफी देर से खड़ी हुई हूँ, मुझे लेट हो रहा है जॉब के लिए। जॉब के एक सेकंड आज तो शायद फेस्टिवल है ना, ईद है शायद। आज जॉब मेरा सर से बात हुआ था तो सर ने मुझसे बोला था कि आपको आज आना है शाम के टाइम, तो मैं लेट हो रही हूँ सो प्लीज छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा लेट तो हो आप पोस्टपोन भी तो कर सकते हो, जॉब चली जाएगी। हाँ प्लीज छोड़ दीजिए यार। आप एक काम करो मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप जो है ना ओला या उबर बुक कर लो। अगर मैं ओला कुछ भी बुक करूंगी तो पता उसमें 10-15 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, मैं बहुत लेट हो रही है वरना मेरी जॉब चली जाएगी मुझे। क्योंकि सिर्फ यहाँ मैं सिर्फ 5 किलोमीटर आगे आ रहा हूँ, ज्यादा आगे नहीं जा रहा। नीड है जॉब की प्लीज छोड़। 5 किलोमीटर आगे आ रहा हूँ, बीच में कहीं पड़े आगे छोड़ दीजिएगा प्लीज, ज्यादा दूर तो नहीं है ना? ज्यादा दूर नहीं है, पास में है। ओके आ जाओ। हाँ तो फिर सीट बेल्ट लगा लीजिए आप। ईद के दिन आप जो है छुट्टी उस पे जा रहे हो? आप ईद के दिन मतलब आप इंटरव्यू देने आ रहे हो? एक्चुअली मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है तो मेरी सर से बात हुई थी कल, तो सर ने मुझसे बोला था आप आ जाओ, अगर आप कल आते हो तो बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे पास इसलिए। अच्छा तो ये हाँ। बात है तो किस फील्ड में जॉब लगी आपकी? आईटी में जी। अच्छा वैसे करते क्या थे आप पहले? क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? 12th कंप्लीट है? हाँ। अच्छा मतलब आप 12th पास हो? जी। ठीक है तो स्ट्रीम कौन सी ली थी आपने? साइंस। साइंस ओके। तो नाम क्या है आपका? चांदनी। चांदनी रहते कहाँ हो आप? सेक्टर 15। सेक्टर 15 नोएडा का है, द्वारका का? नोएडा। तो यहाँ पर इतने सुनसान रोड पे क्या कर रहे थे आप? मुझे मैंने आपको बताया था मुझे जॉब के लिए जाना था अपना, मुझे लेट हो रहा था और यहाँ पे ऑटो या रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा आप देखे तो मैंने आपसे लिफ्ट ले ली। तो पता है आपको ऐसे सुनसान रोड पे खड़ा नहीं होना चाहिए कोई भी, और यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एरिया पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उतरना था क्या आपको? ठीक है उतरो आप।
जो मैं कहूंगी शांति से करियो, मतलब जो कुछ ना तेरे पास सब कुछ निकाल। क्या मजाक कर रहे हो मैडम आप? ओहो, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं हंस नहीं रही, यहाँ पे कोई जोक नहीं हो रहा। बोला ना मैं तुझसे एक बार प्यार से बोल रही हूँ। ऐसे आपका इंटरव्यू लेट हो रहा है, जाओ आप इंटरव्यू दो। प्यार से बोल रही हूँ आपको जॉब के लिए। अरे प्यार से बोल, समझ नहीं आ रहा क्या? बोला ना मैंने तुझसे एक बार, क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा तेरे? मजाक नहीं कर रही, हंस नहीं रही हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम है? जो कुछ है तेरे सब कुछ निकाल। ऐसा मैडम मेरे पास कुछ नहीं है, आप जाओ प्लीज। क्या बोल रही हो आप? क्या बोल रही हूँ मैं? मैंने आपको लिफ्ट दी, आपकी हेल्प करी, आप इसी तरीके से बिहेव करोगे मेरे साथ? क्या लिफ्ट दी है? क्या लिफ्ट दी है? आपको कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था, आप लेट हो रहे थे इंटरव्यू के लिए, मैंने आपकी हेल्प करी। इंटरव्यू नहीं जाना मुझे, बोला ना मैं तुझसे एक बार, मतलब नहीं जाना। तो आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? जो कुछ ना तेरे पास सब कुछ दे मुझे। ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दिमाग खराब मत कर, प्यार से बोल रही हूँ, बहुत प्यार से बात कर रही हूँ मैं तुझसे। नहीं मतलब क्या करोगी? क्या करोगी मैं तुझे बताऊँ? मैं क्या करूँगी बताऊँ? मैं तुझे क्या करूँगी? नहीं मैं बताऊँ तुझे मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी मैं? क्या करूँगी? बुलाऊँ अभी सबको यहाँ पे बुला के, कि तू मुझे छेड़ रहा था? अच्छा, और बुलाऊँ? और बुलाऊँ सबको यहाँ पे भी? बात तो मैडम मैं लेट हो रहा हूँ। ऐसा मुझे नहीं पता तू लेट हो रहा, कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना? आपसे हाथ जोड़ के रुको, अच्छा प्लीज। क्या मुझे क्या करना तेरी इधर? ऐसा है गाड़ी मत बाको प्लीज यार। क्या प्लीज? क्या मैं आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप प्लीज चले, ये बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने बोला ना तुझसे एक बार कि जो कुछ भी दे मेरे, समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे कितने प्यार से बात कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तेरे? अकल खराब है तेरी? देखो मैडम मेरे पास कुछ नहीं है, आप जाओ। क्या कुछ नहीं है? बोला ना मैं तुझसे एक बार, दे जो कुछ है तेरे पास सब कुछ दे मुझे। आपसे बहुत तेरा दिमाग खराब है, एक बार समझ में नहीं आ रहा कितने प्यार से बात करी मैं तुझसे? हाँ तेरे घुस नहीं रहे यहाँ पे? बोला ना मैंने तुझसे, उधर उधर क्या देख रहा है? मैडम आज ईद है, मैं नहीं चाहता। बोला ना मैंने तुझसे, तेरा समझ में नहीं आ रहा? आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? बताऊ भी तुझे मैं कौन हूँ? कौन हूँ? नहीं बताओ मैं तुझे भी, बताओ कौन हूँ? नहीं बताओ मैं तुझे, बताओ कौन हूँ? बताओ। बुलाऊ अभी सबको यहाँ पे, तू मुझे छेड़ रहा है यहाँ गाड़ी में ले जाके, जबरदस्ती कर रहा है। मैंने आपको लिफ्ट दिया, मैंने आपको छेड़ा नहीं है, ठीक है? पहली बार मैंने तुझसे जो बोला तू वो कर, मैंने तुझसे जो बोला ना वो कर, मैं तुझसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ बहन, जो तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा है गाली मत दे। ओह ठीक है, क्या तू मुझे सिखाएगा? तू मुझे बताएगा? बताऊ तुझे मैं अभी? प्यार से बोल, नहीं बहन जो तू मुझे सिखाएगा? तो ऐसा है मैडम गाली मत दो प्लीज। क्या क्या गाली मत दो? मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। क्या क्या रिस्पेक्ट कर रहा है? मैंने तुझसे बोला ना तेरे एक बार बेसिन में घुस नहीं रहा क्या? कितनी बार बोला मैं तुझसे? समझ में नहीं आ रहा तेरे? जितना बोला है उतना कर, जितना बोला है उतना कर, कुछ नहीं है, जितना बोला है ना उतना कर। तुझसे बोला ना मैंने एक बार? मैडम मैं तुझसे क्या बोल रही हूँ तेरे समझ में नहीं आ रहा? यहाँ पे घुस नहीं रहा तेरे दिमाग में? नहीं है, मैं जो कुछ नहीं सब कुछ दे, मैं नहीं दे रहा। क्यों नहीं है? क्यों नहीं देगा तू? मैं बताऊँ तुझे फिर मैं क्या हूँ? मैंने तुझसे जो बोला ना वो दे, जो कहा है वो कर पहले। नहीं दे रहा मैं, नहीं दे रहा। बता मैं क्या हूँ? क्या है बता? नहीं तू बता, मैं भी बैठा हूँ। नहीं ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रहे हो सर आप मेरे साथ? ये क्या कर रहे हो? बुलाऊँ सबको? क्या कर रहे हो सर आप मेरे साथ? ये क्या कर रही हो? बुलाऊं? क्या कर रही है? बुलाऊं सबको? बताऊं मैं तुझे? नहीं करके ये कर कर रहे थे कि इसे बंद कर ले। क्या बंद कर ले? बुलाऊं मैं सबको अभी? बुलाऊं? बोलूं सबको? तू क्या कर रहा है मेरे साथ? नहीं बोलूं मैं सबको? नहीं हो गया तेरा? नहीं मैं बोलूं सबको? क्या बोलेगी? क्या कर रहा है तू मेरे साथ? क्या कर? बचाओ बचाओ बचाओ! क्या कर रही है? मारा तूने? ओए हाथ हटा ले बता रहा हूं। किससे पूछ के मारा? हाथ हटा। किससे पूछ के? हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा तूने? हाथ हटा, पीछे पीछे। तूने किसे पुछ के मारा? गाली नहीं बता रहा हूँ, वरना तोड़ दूंगा इसे। किसे पुछ के मारा तूने? होगी तो कहीं की अपनी। किसे पुछ के मारा तूने? बताऊँ तेरे को? किसे पुछ के मारा? देख तू जो हरकतें कर रही है ना, सुन मेरी बात, सुन इधर देख, आवाज बंद कर ले, बता रहा हूँ मैं, ठीक है? क्या कर रही है? छोड़ मेरा दर्द। हाथ तोड़ गया ना, पिछवाड़े में डाल दूंगा, बता रहा हूँ मैं, तोड़ उसे। छोड़। क्या कर रही थी? नहीं कर क्या रही थी? कर क्या रही थी? है कर क्या रही थी? है क्या कर रही थी? है कहाँ जा रही है? कि गाड़ी नहीं खुलेगी अब, तू चलेगी थाने। रुक एक मिनट, आराम से बैठ जा गाइस। और सुन तू जो हरकतें कर रही है ना यहाँ पर, ये देख इधर देख, कैमरा लगा, इधर देख कैमरा, शकल देख शकल गाइस। ये देखो ये 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 होती है ये, ठीक है? कपड़े फाड़ के लूटती है, एक तो मैंने इसकी हेल्प करी, तू बैठ बैठ, अब तू कहीं नहीं जाएगी। 2 नंबर पे लगा रहा हूँ कॉल। ओए
थप्पड़ मार दूंगा, खींच के बता कहाँ फेंके। हाथ किससे पूछ के लगाया तूने? हाथ किससे पूछ के लगाया? हाथ हाथ किससे पूछ के लगाया? आराम से बैठ जा, तेरी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, गला दबा दूंगा तेरा। अबे बात समझ में, बैठ आराम से। तो कभी सो नंबर पे कॉल लगा दूंगा तेरे को, तो मैं बताता हूँ। गाइस देखो शक्लें, देखो इनकी शक्लें, ठीक है ये होती हैं। अब तू बैठ, अब मैं लगा रहा हूँ सो नंबर पे कॉल, अब तू देख। भैया मुझे माफ कर दो, भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो भैया, माफ कर दो। नहीं अभी तो तू गाली बकरी थी, कौन सी गाली बकरी थी भैया? प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी है। नहीं 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 नहीं, अभी तू रुक। गाइस देखो कैसे लोग होते हैं, शेयर करते हैं ना वीडियो को, ठीक है? क्या मजबूरी है? माफ कर दो प्लीज भैया, हेलो प्लीज भैया मुझे माफ कर दो भैया प्लीज। मेरी शादरा, नवीन शादरा से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक लड़की जो है, ठीक है, यहाँ पर रोड पे मिली है, ठीक है, जो कि मुझे लूट रही थी। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, भैया प्लीज भैया, आराम से बैठ जा। कॉल सॉरी, ये जो है मेरे पास पूरी इसकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रही है। आप जो जल्दी से आ जाओ, आराम से बैठ जा, बता रहा हूँ मैं, खाल खींच दूंगा तेरी यहाँ पर। मैंने इसे गाड़ी में बंद कर रखा है सर, आप जल्दी आ जाओ भैया, मुझे माफ कर दो भैया प्लीज। हाँ सर, यहाँ पर ये मेट्रो पिलर नंबर प्लीज मुझे माफ कर दो 204 भैया प्लीज भैया प्लीज, आराम से बैठ कर दो। तो ये तो मैं बताऊंगा, देख भैया प्लीज मुझे माफ कर दो सर, जल्दी आओ आप, ठीक है, अभी पुलिस आ रही है भैया प्लीज मुझे माफ, तो खेल कर दो भैया प्लीज। पत्नी तुम कितने लोगों को ऐसे लूटती होगी हैं? प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज भैया, प्लीज भैया, अभी तो तू गाली बकरी थी हैं? भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है भैया? प्लीज मुझे माफ कर दो भैया प्लीज, मेरी मजबूरी है भैया। क्या मजबूरी है? प्लीज भैया मुझे माफ कर दो प्लीज भैया। देख मैं सामने रो के मत दिखाइए, बता रहा हूँ मैं तो तेरे को थाने ले आके छोड़ूंगा, देख पुलिस आ रही है अभी, अभी तो टेंशन मत ले भैया प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज भैया। क्या, क्यों जाने दूं मैं? आज की बात नहीं करूंगी मैं ऐसा प्लीज भैया, प्लीज भैया माफ कर दो मुझे प्लीज, मैं माफ नहीं करने वाला, प्लीज भैया माफ कर दो प्लीज प्लीज भैया, भैया प्लीज मुझे माफ कर देख दो, मेरे आगे ये मगरमच्छ के आंसू नहीं चलेंगे, प्लीज माफ कर दो, मुझे नहीं पता, माफ कर दो भैया, पुलिस आ रही है, जब तक आराम से बैठ भैया प्लीज मुझे माफ, देख तुझसे कह रहा हूँ आराम से बैठ, थप्पड़ पर मार दूंगा खींच के भैया प्लीज, आज के बाद नहीं करूंगी प्लीज भैया, मेरी क्यों करती है सब भैया, मेरी मजबूरी है इसलिए करना पड़ता है मुझे, और आंसू आंसू मेरे आगे नहीं चलेंगे, प्लीज माफ कर दो मुझे, इतनी हिम्मत नहीं हुई, तुझे पता है यूट्यूब पे 7 लाख लोग देख रहे हैं तुझे इस टाइम, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, आवाज नीचे बता रहा हूँ मैं भूत उतार दूंगा तेरा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी है भैया प्लीज माफ कर दो मुझे प्लीज भैया प्लीज भैया, पुलिस को मत बुलाओ प्लीज भैया, मुझे नहीं पता प्लीज भैया, इंटरव्यू दियो अब तो पुलिस स्टेशन के अंदर, हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, मैं मार दूंगा खींच के भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया प्लीज भैया भैया प्लीज आप प्लीज, क्या मजबूरी है भैया? मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, मुझे ना उनकी दवाई के लिए पैसे लेकर लेने थे, इसलिए मैं कोई जॉब घर में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। सच बोल रही है? देख रो के तो मुझे मत देखो, मैं पता मगरमच्छ के आंसू है भैया, मम्मी कसम मैं माँ कसम खा रही हूँ, मैं सच में इसलिए कर, मैंने इसलिए कर रहा, मैंने कभी नहीं किया ये काम, तो मम्मी की दवाई लेकर आनी है इसलिए बोल रही हूँ मैं, प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। सच बोल रही है? देख ले। हाँ भैया मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, पुलिस को मत बुलाओ भैया प्लीज, देख ले पुलिस तो आ रही है अब, भैया प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज भैया माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी सच में ना। हाँ देख अभी तो पुलिस आ रही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो प्लीज भैया प्लीज। चल ऐसा है, अगर दोबारा तू यहाँ नजर आई, नहीं भैया कभी नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत बुरा होगा तेरे साथ, चल निकल यहाँ से, चल निकल जाए यहाँ से। ये देखो ये जा रही थी, वो बैग कौन लेके जाएगा, पड़ोसी जरा, चल निकल यहाँ से, दोबारा नजर मत आ जाइयो, ठीक है, बताओ कैसे कैसे लोग होते हैं। सो गाइस देखा आपने, मतलब यार इस तरीके से मैंने सोचा, चलो यार ईद का दिन है, मैं अब दोस्तों के पास तो जा रहा था, ठीक है, और दूसरी मेरे माइंड में ये भी नहीं आया कि यार आज संडे था, ये देखो इसने क्या कर दिया, देख रहो, अब बाई चांस यार अगर मेरे पास कैमरा नहीं होता तो क्या ही होता, अब पता नहीं यार घर वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस इस तरीके से कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है, तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और अगर मुझसे बात करें तो इंस्टाग्राम आ रहा होगा, फॉलो कर लेना, ठीक है, बाकी देख रहो क्या हो गया, ये बड़ी बदतमीज लड़की थी यार, मतलब मैं सोचा ये नोट्स एंड थी शुरू में, लेकिन लास्ट में बता नहीं सकता मैं।